चेहरे पर अद्भुत तेज, नन्ही आंखों में इतनी निर्भयता, बिल्कुल वैसे जैसे कल्पना की थी। तुम ही हो जिसकी ये दुनिया सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी, जो अच्छाई को अपनी शक्ति बनाकर इस संसार को बुराई के अंधकार से मुक्त करेगी, जो असुरों का सर्वनाश करेगी। आज से हम ही हैं तुम्हारे रक्षक और हम ही प्रशिक्षक। यही बनेगी। महारक्षक देवी, क्रोध को अपने वश में करना सीखो बड़ी, वरना यह तुम्हें विवश कर देगा। इसे अपना शत्रु मत बनाओ, शत्रु को नष्ट करने वाला अस्त्र बनाओ।
क्या हुआ गौरी? बस इतना ही सामर्थ्य, इतनी ही क्षमता? ये युद्ध नहीं है गौरी, केवल प्रशिक्षण है। संभालो अपने आप को। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्रोध में हम भूल गए थे कि आप हमारे सामने हैं। ईसाइयों में तुम एक कुशल योद्धा जरूर बन गई, लेकिन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण नियम भूल गई। भूल गई हमने क्या सिखाया था तुम्हें? शत्रु के शरीर की आश्वास उसके पराजय को विजय में बदलने का अवसर दे दिया। जीवित शत्रु कभी पराजित नहीं कहलाता। गलत। युद्ध का सबसे बड़ा नियम है, युद्ध के मैदान में अपनी परछाई पर भी विश्वास मत करो। और ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक रणभूमि है, किसी पर भी विश्वास मत करना गौरी, किसी पर भी नहीं। क्या हुआ गौरी, क्या पूछना चाहती हो? कई दिनों से हमारे मन में एक प्रश्न था, अनुमति हो तो पूछना चाहेंगे। आप हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे लिए एक रणभूमि है, लेकिन हमारे लिए तो एक घर, ये परिसर, यही हमारी दुनिया है। हमने आज तक कभी बाहर कदम नहीं रखा, आपको छोड़ कभी किसी और का चेहरा नहीं देखा, तो आखिर हमारी किसी से क्या शत्रुता? कोई हमसे भला क्यों युद्ध करना चाहेगा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरः, गुरु देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रश्न और उत्तर का चक्र भी समय के पहिए के साथ ही घूमता है। तुम्हें तुम्हारे जीवन के सत्य से परिचित करवाने का समय आ गया है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो गौरी, इसीलिए तुम्हारे शत्रु भी साधारण नहीं होंगे। तुम्हारा युद्ध असुरों से होगा। हर सदी में, हर युग में और समय के हर कालचक्र में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ है। देवताओं ने असुरों को हरा कर उन्हें पाताल लोक में बंद कर दिया। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने प्रण लिया कि वो अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे। जब इस पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन जाएगा, मानवता का ही नाश हो जाएगा, तब असुर इस पृथ्वी पर प्रहार करेंगे। इस अवसर की वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब मनुष्य ने स्वयं चलकर उन्हें प्रदान कर दिया। मनुष्यों की आंखों पर स्वार्थ और लोभ की वो पट्टी बंध गई है, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता।
इसी का लाभ उठाकर असुर इस पृथ्वी पर वो संहार करेंगे जो कल्पना से भी परे होगा। हर तरफ विनाश वर्षों से जिस महाकार्य के लिए तुम्हें तैयार किया है, हर परिवार भावनाएं हर बंधन से मुक्त रखा, उसे पूरा करने का समय आ गया है। गौरव, क्षमा कीजिए गुरुजी, लेकिन कौन सा कार्य? तुम्हारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है गौरव, असुरों का नाश। केवल दो दिन में असुर पृथ्वी पर प्रहार करेंगे, संहार करेंगे। युद्ध तो हर सदी ने देखे हैं, महायुद्ध भी कई हुए हैं, लेकिन ये होगा अंतिम युद्ध जो स्वर्ग या पाताल में नहीं पृथ्वी पर होगा, और इसका अंत तुम्हारे हाथों में है गौरी। तुम्हें असुरों का सर्वनाश करना ही होगा। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं गुरुजी? और अगर असुर आ भी गए तो हम या कोई और मानव उन्हें रोकने की क्षमता नहीं रखते। कोई मानव नहीं गौरी, तुम बनी ही हो असुरों का अंत करने के लिए। हमने इतने वर्षों तक ये बात तुमसे छिपा कर रखी, लेकिन अब समय आ गया है गौरी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कैसे गुरुजी? आपने अभी तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अंतिम युद्ध, सर्वनाश, लड़ना तो दूर, हमारी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। सुनो गौर, ये कैसी ध्वनि है? वही वचस का भय था। उन्हें तुम्हारा पता चल गया, तुम जाओ यहां से गौरी, वो बस पहुंचते ही होंगे। कौन पहुंच गए और कहां जाएं? और ये सब हो क्या रहा है अचानक? कुछ तो कहिए गुरुजी। हमने कहा जाओ यहां से। समय आने पर हम तब तक पहुंच जाएंगे, कैसे भी, किसी भी अवतार में। अब जाओ। हमने तुम्हें जाने के लिए कहा था, जाओ यहां से, पीछे मुड़ के मत देख। नहीं गुरुजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे बहस मत करो, जाओ यहां से, ये हमारा आदेश है। जाओ गौरी।
सही कहा था किसी ने कि यार चाहे कितना भी होशियार हो जाए, जंगल का राजा बनने की औकात नहीं है। किसने कहा था वैसे? मैंने तो कहा था। इतने साल बीत गए बृहस्पति, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन तुम वहीं के वहीं देवताओं के अंगूठे के नीचे। आज भी उन्हें खुश करने के लिए बेसब। तुम्हारा वर्चस्व भले ही पड़ गया हो, बदले तो तुम भी नहीं हो शुक्र। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम आज भी हर मर्यादा पार करने को तैयार हो। अपनी सेना में मनुष्यों तक को सम्मिलित कर लिया जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। तुम हमारा युद्ध इनके साथ करवाओगे। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में बृहस्पति। मैं शेर पालता हूं और तुम सिर्फ गलत फहमी पालते हो। और वैसे भी तुम अब इतने बड़े नहीं रहे कि तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहां तक आ पहुंचूं। मैं तो यहां उसके लिए आया हूं, वही जिसे तुम महारक्षक देवी कहते हो। ये कोई हंसने की बात है? ए छोकरी, ए अक्कल वगर नीचे के तू हा? ए छोकरी, आ कांदा वगर नीचे के तू साव हा? कोई ये पानी पीता है क्या? ये पानी तो गाय भैंस पीते हैं ना। इधर आ तू, इधर आ, मैं तुझे देती हूँ पानी, ले आजा। अरे आ ना, आजा जल्दी आ। ये देख, ये बाटली का पानी पीने का, ले पी पी।
ए गांडी छोकरी, पानी कोई सूंघता है क्या? हाँ, अरे ले ले, एकदम शुद्ध पानी, मिनरल वाटर। वाटर? कौन सी नदी? इसे यहाँ कोई दिखाई नहीं दी ना, इसलिए। ना ना, अरे ये बाटली तो मैं वो करियाना वाले की दुकान है ना, वहां से लेकर आई हूँ। अब वो कहाँ से लाया माने नहीं खबर है भाई, तू पी ले ना। हाँ पी ले। ये करियाना वाला पता है, एकली लेडीज को देखकर 2 रुपया ज्यादा लिया, लुच्चो लबार क्या इनो। करियाना वाला? करियाना वाला नहीं खबर, वो करियाना वाला जो दाल चावल सब वो बेचता है ना, वो करियाना वाला। एक मिनट ना, तू यहाँ की तो नहीं लगती है, कहाँ से आई है? वहाँ जंगल से तो इकली है। हाँ इकली है। हाँ बस भी आ गई, चल आ जा। ए बस, ए बस वाला भाई रुक रुक, अरे रुक, हमको भी आने का है ना, अरे रुक ना, अरे रुक, अरे ए चल चल जल्दी, नहीं तो बस चली जैसे, चल 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 जल्दी भाग, चलो जल्दी अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, चल 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 जल्दी, अरे जल्दी चढ़ो ना बहन, जल्दी 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 जल्दी, अरे चलो चलो। अरे भाई जवान छोकरा है ना, बाद में चढ़ेगा तो क्या कवारा रह जाएगा, लेडीज फर्स्ट समझता नहीं है? हाँ हाँ चल चल चल, लेडीज फर्स्ट कह रही है, चल 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 साइड में जा, साइड में जा, चल। बस मिल गई, वरना शाम तक मुंबई जाने के लिए दूसरी कोई बस नहीं थी। तारी सासू कांदा खाई, जवान छोकरी देखी नहीं और वांद्रा बेड़ा शुरू। हाँ चल आगे देख। मस्त है यार, चल चल इधर से। हाय मेरे तो दिल पे लग गई, काकी ने डांट क्या लगा दी मुझे, तो अब रात भर सिर्फ इनकी ही आवाज सुनाई देती रहेगी। क्या ए चल इधर से। अरे काकी डालिंग बता तो सो, किधर चलूं डालिंग? ओए महाराज, अगले 20 मीटर में तेरी गाड़ी रोक दे, नहीं रोका तो मैं तेरी सांसें रोक दूंगा, सुन रहा है क्या? हाँ हाँ साहब। चलो 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 नीचे उतरो, चलो चलो चल नीचे उतर, एक बार बोलना पड़ेगा, चल चल ये चल उतर, चल क्या बैठा है, चल उतर, चल 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 ये उतर जा, मैं उतर, चल ये भाई चल, भेजू तेरे को उतरने के लिए, चल अरे साहब क्या कर रहा हूं तेरे को, अरे उतर तू पहले, तू बेटा अरे रुको, ए चल उधर पीछे, अरे मत मारो, ये चल रहा, चल 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 च
एक नंबर की गुंडे मोबाइल चल चल यहाँ से चल प्यार मोबाइल चाइने धर ले चलो इनको भी लेंगे चल निकालो चल ए होशियारी नहीं यार इधर ही खड़े रहो अभी चल चल तारी सासू कांदा खाए चल चल हट बाजू अरे ओ काकी वो लड़की का हाथ पकड़ना ही है तो मारो पकड़ ले हाथ ए मगजमारी मत करा चल हट यहाँ से जाने दे हमको चल अरे ओ मगजमारी की तेरे को रोका किसने ए लेके जा रहे काकी को मुझे तो वैसे बीन वाली मैडम के साथ तातैया करना है और मैडम डांस तो आता है ना बेशरम कहीं के शरम कहीं बेच कर आया है हाँ छीमा के गंदे बच्चे अरे ओ काकी ज्यादा ज्ञान ना दे मुझे चल अच्छा मैडम
काकी बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बहन। माफ कर दे बेटा, लगी तो नहीं ना? हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश। आज तक हम औरतों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट ये सब तो रोज होता है, और ये सब देख देख कर ये चमड़ी है ना, चमड़ी मोटी हो गई है। लेकिन आज पहली बार एक लड़की को फाइटिंग करते देखा। डिस्ट्रिक्ट बहुत मजा आया। अगर हर लड़की तेरे जैसी हो जाए ना, तो इस दुनिया में ऐसे नीच और हलकट लोग एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इसमें इतना आश्चर्य करने वाली क्या बात? जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां देवताओं का वास भी नहीं होता। तो इस दुनिया की नहीं है ना, इसलिए तुझे नहीं पता यहां नारी का सम्मान तो क्या, उसे इंसान भी नहीं समझा जाता। ये हम सब यहां डर के जीते हैं। इसलिए इस दुनिया को तेरे जैसी लड़की की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, मिली कोई खबर? शिकार चाहे जितनी भी तेज भाग ले, शुक्र का निशाना कभी नहीं चूकता। खबर मिली है कि कच्छ के पास एक गांव में एक लड़की ने अकेले ही 4-5 गुंडों को पछाड़ दिया। मुझे तो लगता है कि जिस दुनिया में जंगल राज चलता हो, हर 10 मिनट में एक औरत दबोची जाती हो, पत्तियों की तरह थरथराती हो, बेजुबान हो, वहां शेरनी की दहाड़। अगर इस लड़की ने वाकई में ऐसा किया है, तो ये लड़की साधारण हो ही नहीं सकती। कहां जा रही थी वो बस? मुंबई की तरफ। मुंबई मेरा अपना शहर। कौन है, कहां से आई है, तेरा नाम क्या है,
मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना चौकस पता है कि तू जहां जाएगी ना, बुराई खत्म हो जाएगी। जब दुनिया में पाप और हिंसा बढ़ जाते हैं ना, तो शांति लाने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। और मुझे पक्का विश्वास है ये सिर्फ तू कर सकती है। जा बेटा, लोगों की रक्षा कर। इस माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा। एक मिनट, मिनरल वाटर क्या? हाँ? वाटर। तेरे साथ माया बन गई है छोकरी, छोड़ने को मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा ना। जा। देवी मतलब हम तो असुर हैं ना, शक्तिशाली असुर, फिर हम क्यों ढूंढे किसी देवी को? क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं है मूर्ख, वो बनी है हम असुरों से लड़ने के लिए। उसे देवताओं का आशीर्वाद मिला है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे तो वो हमें ढूंढ लेगी, हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगी। किसी एक का तो अंत होना ही है, क्योंकि ये अंतिम युद्ध है और असुरों का अंत मैं होने दूंगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं। सरफरा शुरू किया जाए। अब यहां कौन सा शेर बचाएगा उसे? यहीं कहीं परेशान सी भटक रही होगी वो, असुरों के गुरु के शहर में। आपका स्वागत है महारक्षक देवी।
मौत। रुको। कौन है तुम और हमें यहाँ क्यों लाया गया? कहाँ जा रही हो तुम? देखो तुम क्यों डर रही हो, ये हमारा घर है और यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं। सी माय नेम इज मीना और ये मेरा बेटा है टाइगर। छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो इन्हें। जी